आर वॉचिंग FNI न्यूज। अशोक विहार फेज टू के प्रगति मार्केट की ये तस्वीरें इस मार्केट की दुर्गति की दास्तां खुद बयां कर रही हैं। लगभग 4 दशकों पहले बनी इस मार्केट का नाम यूं तो यहां की सबसे बड़ी मार्केट्स में शुमार होता है, लेकिन इस मार्केट की बदहाली ना सिर्फ यहां आने वाले लोगों बल्कि यहां के दुकानदार और ऑफिस वालों के लिए भी परेशानी का सबब है। सर, प्रगति मार्केट के नाम पर ये बिल्कुल कलंक है नाम के ऊपर, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ही प्रगति नहीं है। ये सबसे निगलेक्टेड मार्केट है जो अशोक विहार की, मैं समझता हूं। यहां पर कोई अधिकारी पूछने भी नहीं आते, ना तो यहां पर कोई पार्क्स की मेंटेनेंस है। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास एक और है जो पार्किंग की, जितने पार्किंग स्लॉट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो अनऑथराइज वर्कशॉप्स वालों ने अपनी गाड़ियां रिपेयर करने के लिए घेर रखे हैं। मैं VP गर्ग, यहीं पर 12 नंबर में मेरा ऑफिस है। ये 1 और 2 नंबर का जो प्लॉट है बेसिकली जो मेरे पीछे है, इसमें कितनी गंदगी है, ये DDA के पास है। इतना मच्छर है, इतनी गंदगी है, पूरी मार्केट को इसने डिस्टर्ब किया हुआ है। इसको यदि ठीक किया जाए तो यहाँ कुछ अच्छी कुछ भी नहीं। यदि आपकी स्कीम DDA कोई स्कीम नहीं है तो इसको पार्क ही बना दिया जाए और पार्क बनाकर इसको डेवलप किया जाए। दूसरी बात, जो मैंने बाहर दिखाया आपको, वहाँ पानी इतना भरा हुआ है, 12 नंबर के पीछे भी और आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है। वहाँ से निकलने का मतलब लगता है कि हम किसी तालाब से निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है वो पानी ठीक किया जाए, सफाई ठीक की जाए, मार्केट को डेवलप किया जाए। प्रगति मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब ये मार्केट अपने नाम को चरितार्थ करेगी और इस मार्केट का विकास होगा। मैं शांति प्रकाश, मेरा यहाँ पे आनंद प्रॉपर्टी के नाम से प्रगति मार्केट में काम है। पिछले मेरा ख्याल है 20 सालों से जो यहाँ आने जाने का रास्ता है बिल्कुल ब्लॉक रहता है। रास्ता ऐसा है उबड़ खाबड़, जो सीवर बने हुए हैं प्रॉपरली, कोई भी यहाँ से ख़ास तौर पे लेडीज़ बच्चे निकलना बहुत मुश्किल है। बरसातों में सारी हर तरफ पानी जाम हो जाता है, पानी निकलने की निकासी कहीं नहीं है। कस्टमर तो आगे यही कहते हैं कि इससे मार्केट सबसे गंदी मार्केट है, नालियाँ खुली पड़ी हैं, पानी से भरी हुई हैं, कोई भी यहाँ पर सफाई नहीं है। मनीष बंसल है मेरा नाम। और बाकी ये पेड़ों से लाइट नहीं आती, एक तो इनकी थोड़ी कटाई होनी चाहिए, और ये सर मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये कराएं थोड़ा सा। अवैध कब्जे, गंदगी और टूटी पटरियों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है महिला सुरक्षा, जिसको लेकर FNI न्यूज की पहल पर हाल ही में अशोक विहार पुलिस स्टेशन के नए SHO ने ना सिर्फ इस मार्केट का दौरा किया बल्कि यहां के व्यापारियों को आश्वासन भी दिया कि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। तो चलिए इस बारे में यहां के दुकानदारों का क्या कहना है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मैक्सिमम हमारे पास लेडी स्टाफ है और सबसे बड़ी थ्रेट यहाँ पर गर्ल्स की है कि यहाँ पर एक तो सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। शाम को 5:30 बजते हैं सर्दियों में, उसके बाद अंधेरा होते के साथ ही यहाँ पे नॉनसेंस शुरू हो जाता है। 8 बजे आप यहाँ से लड़कियाँ कोई पास नहीं कर सकती, गाड़ियों में बैठ के यहाँ पे शराबें पी जाती हैं। पूरी मार्केट में अंधेरा ही अंधेरा, इतने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कि कोई भी मुश्किल से भी कोई पीछे से इस रास्तों से निकल भी नहीं सकती कोई लड़की। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल प्रगति मार्केट की ओर से दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूं और ख़ास तौर पे अपने SHO साहब श्री माधव कृष्ण जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मार्केट के अंदर आकर हमारी सभी समस्याओं को सुना और बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करते हुए हमसे सारी बातचीत की और बहुत हंसी खुशी के माहौल के अंदर सारी बातें उन्होंने हमारी ध्यान से सुनी। और फिर उन्होंने पूरी मार्केट का एक दौरा भी किया जिसके अंदर उनको पूरी वस्तुस्थिति पता लगी कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, और अगले दिन से ही कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी जिससे यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट अच्छा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर हमें इसी प्रकार से सहयोग करेंगे। लेडीज़ तो बिल्कुल ही आना पसंद नहीं करती मार्केट में, क्योंकि एक तो अंधेरा है सब तरफ, मार्केट के अंदर रोशनी की बहुत कमी है। VP गर्ग, हमारी प्रगति मार्केट में एंट्री गेट 6 हैं। हम चाहते हैं कि 6 हर गेट पर 2-2 कैमरे लग जाएं, 12 कैमरे हमें दे दिए जाएं ताकि हमारी सिक्योरिटी के वजह से जो प्रॉब्लम हमें हो रही है वो हल हो जाएंगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया,
और जैसा कि MLA नेतृत्व में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ वार्ड के अध्यक्ष अपना वार्ड के सचिव के नाते, जैसा कि आपने मुझे बताया कि जो हमारे काम है आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली सरकार के काम है वो हमने गटर के देखे, मेन तो सीवर लाइंस के है, सीवर लाइंस के कल या परसों में ये काम होना शुरू हो जाएगा। और रहा जैसे कि आपने मुझे कैमरे के लिए गर्ग साहब ने बोला है, ये भी मैं अपने विधायक जी से बात करके जल्द से जल्द इसको लगाने की कोशिश करूंगा। इस मार्केट को लेकर सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि दुकानदारों और विजिटर्स के लिए कोई भी टॉयलेट नहीं बना हुआ है। ऐसे में सड़क किनारे बना MCD का ये यूरिनल लघु शंका का एकमात्र सहारा है। प्रॉब्लम ये है, इसकी निकासी नहीं है और ये ओपन है, जबकि इसे बंद होना चाहिए। लेडीज़ को निकलने में प्रॉब्लम होती है और ये सारा जो इसकी गंदगी है वो सड़कों पे आती है, उसकी वजह से स्मेल, इस सड़क से आप निकल नहीं सकते। अशोक विहार फेज 2 के इस प्रगति मार्केट को लेकर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा ये यहाँ के दुकानदारों के समक्ष सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में BP गर्ग और डॉक्टर अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में नई मार्केट एसोसिएशन अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आती है और ऐसे में अब ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट की ये नई एसोसिएशन जल्द ही इस मार्केट का कायाकल्प करने में अहम भूमिका निभाएगी। कैमरामैन नितेश कश्यप और स्वयं के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।